पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में एक ही प्रोफेसर आया और वो है मोहम्मद हफीज। 20 साल से ज्यादा अरसा क्रिकेट के मैदानों की जीनत बनने वाला, उनकी किस्मत पर सब रश करते हैं। मोहम्मद हफीज ने शोहरत के साथ साथ दौलत भी खूब कमाई है। वो पाकिस्तान के चंद अरबपति क्रिकेटर्स में शुमार किए जाते हैं, जबकि मौजूदा टीम में सबसे ज्यादा अमीर खिलाड़ी हैं। मोहम्मद हफीज के फैंस इस बारे में मुतजस्सिस रहते हैं कि वो कितने अमीर हैं, उनके कारोबार क्या हैं और बड़े बड़े असासे कौन से हैं। लिहाजा ये सब कुछ आज हम आपसे शेयर करेंगे। मोहम्मद हफीज की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया उनकी हाउसिंग सोसाइटी है। मोहम्मद हफीज पाकिस्तान के वाहिद क्रिकेटर हैं जो एक या दो नहीं बल्कि पूरी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक हैं। जी हाँ, कौमी टीम के प्रोफेसर ने अपने आबाई शहर सरगोधा में बेटे रोशान होम्स के नाम से हाउसिंग सोसाइटी बनाई है, जो इस वक्त सरगोधा और आसपास के लोगों के लिए तवज्जो का मरकज बनी है। सरगोधा शहर से बाहर मेन रोड पर बनने वाली ये सोसाइटी रात में जब रोशनी से जगमगाती है तो दिन का समा लगता है। मोहम्मद हफीज जिस तरह मंचे हुए अंदाज से बैटिंग करते हैं, इसी तरह से उन्होंने अपनी हासिल शुदा आमदनी को बड़े सोच समझकर इस्तेमाल किया। उन्होंने एक ही जस्ट में बड़ी छलांग लगाने के लिए हाउसिंग सोसाइटी बना डाली। किस्मत ने भी मोहम्मद हफीज का भरपूर साथ दिया और उनकी सोसाइटी बेहद कामयाब हो गई। लोगों ने धड़ाधड़ प्लॉट और मकानों की खरीदारी शुरू कर दी। कई साल कबल तामीर होने वाली सोसाइटी आज पूरे जोबन पर दिखाई देती है। इस सोसाइटी की कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत ये है कि इसके फेज 2 पर काम का आगाज कर दिया गया है और वहाँ पर भी प्लॉट बुक होना शुरू हो चुके हैं। As he got 10 partnerships. It's a lovely shot. Let's pick this up nicely as well. मोहम्मद हफीज की कमाई का सबसे बड़ा जरिया हाउसिंग सोसाइटी है, या फिर यूं कह लीजिए कि इसी सोसाइटी के मुनाफे ने उन्हें करोड़पति से अरबपति बना डाला। मोहम्मद हफीज इस वक्त कौमी क्रिकेटर्स में सबसे ज्यादा मालदार हैं। उन्होंने 20 साल जिस कदर मेहनत और मुशक्कत में गुजारे, इसके समर में ही आज वो बैठ कर खा रहे हैं। उन्होंने यकीनन इतनी दौलत तो जमा कर ली है कि उनके आने वाली नस्लें भी बैठ कर खा सके। आमतौर पर हाउसिंग सोसाइटी बनाने वाले को किसी और कारोबार करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मोहम्मद हफीज उन लोगों में से हैं जो एक ही कारोबार पर मुनहसर होने की बजाय वक्त मुख्तलिफ कारोबार करते हैं ताकि उनका पैसा एक जगह मुंजमद होने की बजाय हरकत में रहे। मोहम्मद हफीज के सुसर सरगोधा की मारूफ कारोबारी शख्सियत है। उन्होंने लाहौर शूज के नाम से सरगोधा में बहुत बड़ी शॉप बनाई हुई है जो बहुत मुनाफा बख्श है। मोहम्मद हफीज ने लाहौर शूज में भी अपनी शराकत दारी इख्तियार की हुई है, यानी वहाँ से भी उन्हें मुनाफा आता है। इसके अलावा वो अपने सुसर के साथ कई दीगर कारोबार में शराकत दार है। यानी मोहम्मद हफीज अपना पैसा सुसर के हवाले करते हैं जो मुख्तलिफ कारोबार में इन्वेस्ट कर देते हैं और अपनी सरबराही में उसे चलाते हैं। Oh, he's played it well. A cheeky shot. Mutaya Muridharan is quick off the turf. अगर क्रिकेट से मोहम्मद हफीज के जराए आमदनी की बात करें तो सबसे पहले उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें उन्हें ए कैटेगरी में शामिल किया जाता है। 20 साल के दौरान वो अपनी शानदार कारकर्दगी की वजह से टीम के कप्तान भी रहे, जिसकी वजह से उन्हें लाखों रुपए महाना तनख्वाह वसूल होती है। इसके अलावा वो इश्तेहारात में भी काम करते हैं और उनकी मद में लाखों रुपए वसूल करते हैं। इसके साथ साथ सीरीज जीतने पर मैच का बोनस की फीस और फिर मैन ऑफ द मैच करार पाने पर दीगर अवार्ड्स भी उनके नाम होते हैं। मोहम्मद हफीज पाकिस्तान के अलावा दीगर T20 लीग्स में भी जलवागर होते हैं, जहां उन्हें भारी मुआवजा मिलता है। आजकल वो लाहौर कैलेंडर्स के साथ मुंसलिक हैं, जो उन्हें करोड़ों रुपए एक सीजन की अदा करती है। Very, very quick through the air and off the pitch. Hello. It has gone all the way. मोहम्मद हफीज के बैंक अकाउंट में इस वक्त कितनी दौलत है ये तो कोई नहीं जानता। ताहम उनके वाजे सासाजात के बारे में बात करें तो मोहम्मद हफीज ने लाहौर डिफेंस में एक आलीशान घर बनवाया है जो देखने से ताल्लुक रखता है। ये घर मोहम्मद हफीज ने अपने करियर के ऐन उरूज पर तामीर करवाया था। किराए पर मुश्तमिल इस घर के गैराज में लैंड क्रूजर्स, ऑडीज, BMW जैसी बेशकीमत गाड़ियां जगमगाती हैं। मोहम्मद हफीज चुका गाड़ियों के शौकीन है, इसलिए उनके गैराज में एक से बढ़कर एक गाड़ी नजर आती है। इस घर के अलावा उनके कई बेशकीमत प्लॉट्स हैं जिनकी मालियत करोड़ों रुपए है। कुछ साल कबल मोहम्मद हफीज के प्लॉट पर कब्जा ग्रुप ने कब्जा कर लिया था, जिस पर उन्होंने हुकूमत से मदद की अपील करके कब्जा छुड़वाया। तब इस प्लॉट की मालियत 4 करोड़ रुपए जाहिर की गई थी।
लाहौर के अलावा आबाई शहर सरगोधा में भी मोहम्मद हफीज ने आलीशान बंगला बनवाया है। वो जब भी सरगोधा जाते हैं तो उसी घर में कयाम करते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने गांव में कई जरी जमीनें भी लेकर काश्तकारी के लिए वक्फ की हुई हैं। मोहम्मद हफीज के जराए आमदनी और उनके असासाजात देखकर ये कहना बेजाना होगा कि वो इस वक्त मौजूदा कौमी स्क्वाड के सबसे ज्यादा अमीर तरीन क्रिकेटर हैं। बेशक ये मोहम्मद हफीज पर अल्लाह का खास करम है, अगर आप उनकी जिद्दोजहद के बारे में बात करें तो दंग रह जाएं कि वो कहां से उठकर किस मकाम पर पहुंचे। कई ऐसी ख्वाहिशें थी जो मोहम्मद हफीज की अधूरी रही। वो जब साइकिल किराए पर लेने जाते या कोई फिल्म देखना चाहते तो उनकी जेब खाली हुआ करती थी। अमीरों के बच्चों को देखकर उनका दिल बहुत रंजीदा होता, मगर खुदा की करनी देखिए कि उसी सरगोधा शहर में जहां वो एक चौबारे में मुकीम रहे, आज लोगों को महल्लात बनाकर दे रहे हैं। करोड़ों रुपए के प्लॉट्स उनकी मिल्कियत हैं, यानी जिसका अपना घर नहीं था आज वो लोगों को घर देता है। ऐसा करम बहुत कम लोगों पर होता है और मोहम्मद हफीज ने भी कमाल ज़र्फ का मुजाहरा किया। आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि वो दोस्त जो मोहम्मद हफीज के बुरे वक्त में साथ रहे, वही आज उनकी हाउसिंग सोसाइटी के कारोबार को चलाते हैं। यानी मोहम्मद हफीज एहसान फरामोश नहीं बल्कि नवाजने वालों में साबित हुए। अल्लाह उन्हें लंबी उम्र अता करे और करियर में और कामयाबियां अता करे। This time, leg side, plenty of it, into the wind or not, it has gone all the way.